सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं हूँ अपने घर पे, अभी रामदयाल भैया आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ उनके घर पे। आज उनके कुछ रील्स वगैरह शूट करनी है, अभी उन्होंने आईफोन 13 लिया है, तो वो आते हैं फिर अपन चलते। ओके, वो बाइक से आ रहे हैं उनकी यूनिकॉर्न से, एंड मैं हूँ अपनी गली में, तो अभी अपन आइसक्रीम लेते हैं एंड फिर चलते भाई घर में। बहुत है ये नहीं बोल रहा हूँ, चलो पहले आइसक्रीम लेते हैं अपन। तो गाइस, जीवन में पहली बार मैंने देखी है ये मिल्किंग मशीन, आज तक तो देखी नहीं है भाई साहब, मतलब पहली बार देख रहा हूँ मैं। इधर है राम भैया एंड ये इनका कुछ इधर डेयरी फार्म, इधर कुछ गायें हैं जिनके भी हमने मिल्किंग की और इनके कुछ हमने वीडियो वगैरह शूट किए। और देखो भाई, ये रहा इनका कुछ सेटअप, ये माइक बहुत मस्त है, मैं सोच रहा हूँ उसको लेने का। लेंगे भाई, अभी तो अपना सही साथ काम हो रहा है। ये देखो भाई साहब, मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आपको, इस टाइप के चार हैं एंड इन चारों से मिल्किंग होती है। सही है ना? सही है, राइट है, 100% ये चारों थनों में लग जाते हैं और डेलमा ग्रुप का खरीद सकते हैं। और हाँ, फार्म चॉइस का रेफरेंस देना ना भूले, आपको 10% डिस्काउंट इस मशीन पे मिल जाएगा। और भैया का चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, फार्मर चॉइस हमारा चैनल है। तो दोस्तों, अभी हमने मिल्किंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली है। यूट्यूबर है, मुझे पहचानते हैं ये भाई, तो मेरे स्कूल में आता है। ओके, मेरा क्लासमेट है, तो ये इसी गांव में रहते, इसी गांव में रहते हो तुम लोग। इस लोंडे को मैं लेके जा रहा हूँ, इसका भी चैनल भाई, चैनल का नाम बताना, फादर ऑफ व्लॉग, फादर ऑफ व्लॉग्स। और ये कुछ नाइट वगैरह के वीडियो अपलोड करते हैं। तो अभी ये रहा कुछ इनका फार्म वगैरह, आपको उधर कुछ दिखा के आता हूँ, चलो इनका फार्म दिखा के आता हूँ। ओके मैं, चलो भाई आते हैं अपन। अबे भाई साहब, ये जो है गोबर गैस है, जो कि भाई जो अपन HP की घर पे गैस यूज करते हैं ना, जो कि अपनी सिटी में, ये भाई फ्री फायदा उठा रहे गाँव वाले, यहाँ चीटिंग कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ। चलो आगे चलते हैं। ये तो इनका कुछ खेत वगैरह है एंड इधर वेस्ट वगैरह इकट्ठा होता है, उधर की तरफ में गैस बनती है और ये डायरेक्ट इनके घर जाती है, जो आपको नली दिख रही है। तो इधर ये कुछ इधर वेस्ट इकट्ठा होता है एंड इधर मशीन वगैरह पड़ी जो कि किसानी में काम आती है। इधर केले हो गए भाई साहब, ओ भाई केले, ये क्या कर रहे इधर, क्यों बड़े कब तक होंगे रे? देखो गाइस, इधर केले मिल गए मुझे। तो गाइस, ये रहे दोनों भाई, ये रहा मैं। अब आई होप आपको मेरा हाथ ज़्यादा लंबा दिख रहा होगा। तो ये रहा इनका फार्म, जहाँ पे ये गाय को खुला रखते हैं एंड ये मान के चलो बड़नगर का बिगेस्ट गिर गाय का डेयरी फार्म है, क्योंकि बड़नगर में इधर कोई भी गिर गाय अवेलेबल नहीं है। अगर आप गुजरात से देख रहे हो हमारा वीडियो, तो गुजरात वालों को तो पता भाई, गिर गाय उधर ही पाई जाती है, इधर तो बहुत कम भाई। इतना मुझे नॉलेज नहीं है, तो हंसना मत अगर मैं कुछ गलत बता दूं। एंड आपको एक चीज़ बताता हूं मैं, उधर की तरफ में कुआं है, राइट ना भाई, कुआं है इधर, मोर वगैरह भी घूमते रहते हैं ना, मतलब हमारे इधर तो भाई मोर वगैरह तो दिखते नहीं है, लोकल नहीं दिखते, गाँव वगैरह में भाई मिल जाते हैं, ठीक है नहीं? तो चलोगे ना आज पक्का तुम? ये भाई उंडा है क्या? और कितना उंडा है रे, बहुत उंडा है, तुमको बताता हूँ। ये देखो भाई, दोनों पागलों को दोनों ऊपर चढ़ गए इसके ऊपर, ना गिर जाओगे भाई, बहुत उंडा है ये, तुमको कैमरे में इतना समझ नहीं आ रहा होगा। आ जाऊँ क्या मैं भी? नो रिस्क यार। ओ भाई चढ़ गया मैं, चढ़ गया रिस्क लिए तुम्हारे भाई ने पहली बार, ऐसी फट रही है ना, ऐसा हिल रहा है, ऐसा इधर ले आया भाई तुम मेरे को। देखो भाई साहब, इधर की तरफ में एकदम क्या बैकग्राउंड है, एकदम जंगल ही बोल सकते, इधर कुछ विलेज के लोग वगैरह हैं एंड ये रहे दो विलेजर्स जिनको अपन आज टाउन में ले जाएंगे अपने गन्ने करके। तो आपको चलो उधर इधर की तरफ चलते हो अपन, चलो भाई साहब। ये लोंडे लोग इधर हाय कर दे भाई, हाय, ये क्या हो रहा है, छोरा के सब्सक्राइब करना पड़ेगा तेरा, तू भी हाय कर। तो इधर की तरफ में है इनकी गाय एंड ये ब्लॉगिंग स्टिक से बहुत मत काम होता है, रे के नहीं सेल्फी स्टिक है, वैसे तो ब्लॉगिंग स्टिक यहाँ तक ही आती है, मतलब इतनी दूर नहीं ना, गोरिल्ला ट्राइपॉड उससे भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आता है। तो काना भाई, अभी क्या कंटेंट निकालोगे तुम? अभी देख रहे हैं, चंद्रमुखी का था पूरा प्लानिंग। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, इनका जो कंटेंट है वो ये है कि ये मतलब नाइट में लोगों को डराने के लिए, भाई ऐसे मत डराया करो कोई, किसी दिन रात में ही ना लाल पीली सब कर देगा पेंट में। नहीं यार, वो क्या है, 99% तो सब फेक रहता है, जो 1% रहता है वो तो रियली होता है। हाँ, लेकिन आप एक बार वीडियो ट्राई करना, बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं ये। एंड इधर राम भैया बाहर आ गए, हो गया भाई आपका सूट और वजह कितना, चलो
तो अभी मैं इनको ले जाऊंगा अपने घर पे, चलोगे ना भाई? पक्का? तो आप घर पे जाओ, मम्मा को बोलो तैयार भैया जो आपको लेना है वो ले लो। ओके चरण भाई, आप भी घर पे बोल दो कि हुआ तो मैं वहीं रुकूंगा मंडनगर में दोस्त यहाँ। तो अभी इनको मैं पहुँचाता हूँ वहाँ पे एंड फिर अपन चलते हैं साथ में। जैसा कि मैंने आपको मोर बताया था, देखो ये रहा भाई मोर, पर कुछ कुछ समय में आते रहते भाई यहाँ पे। कितने मोर होंगे रे यहाँ पे? 200-300। मैंने गिने, रोज गिनता हूँ। अरे भाई, तो गाइस ये बंदा बोल रहा है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ जाए, इसके कारण मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं उधर गया तो मुझे बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ अर्जेंट काम आ गया। इस लोंडे की तो मेरे क्लास में पढ़ता है, इसकी तो पूरी इच्छा है, लेकिन ये भाई बहुत नाटक कर रहा है। नाटक करने का क्या कारण है भाई? अरे क्या है, थोड़ा कुछ मैटर हो गया है तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अगली बार हम जरूर बनाएंगे वीडियो और इनके साथ में बनाएंगे, ठीक है? तो अभी इसके लिए तो हम सॉरी चाहते हैं क्योंकि यार इस बार तो नहीं हो पाएगा, पर अगली बार जरूर देखेंगे हम। ओके तो चलो कोई ना, अभी राम भैया मुझे छोड़ देंगे अपने घर पे इनकी गाड़ी से एंड फिर चलते अपन मोर। बाकी वहाँ पे बैठा है इधर खेत में। कितने मोर बता रहा था भाई? कितने? 200-300। क्या बोल रहा भाई? 200-300। ये गिनता है इधर वहाँ पे बैठा है, सब नहीं बैठते 200-300। मतलब कोई चार पाँच मतलब सब दूर बैठते ना, थोड़ा गाँव में। भाई 200-300 मोर किसको बोलते हैं यार? तुमने भी गिने? गजब है, गजब गजब। तो देखो अभी आपको ले जाता हूँ राम भैया के पास में। राम भैया तुम जा रहे हो क्या? ओके ब्रो, बाय बाय। तो भाई देखो इधर मिल्किंग हो रही है, क्यों उसके छह दन है यार, इधर भी तीन है उधर भी तीन है। ये गजब एक्सपीरियंस, पहली बार देखा। चार में आता है। हाँ, इसमें नहीं आता। दूध ओनली चारों में आता है जो बड़े बड़े थे इसके। बाकी तो ये राम भैया, क्यों मशीन कैसी लगी? मस्त है गाइस। ये देखो ये रहा वो मोर, और ये पानी पीने के लिए आया था। तो राम भैया एक काम बहुत मस्त कर रहे हैं यार, शुक्रिया राम भैया मेरी तरफ से। तो बहुत सारे आते हैं सुबह सुबह आते ना। अरे बहुत प्यारा, अरे मतलब गाँव में और ये चीज ना देखो तो फिर हमारे आस पास में यहाँ पे। देखो भाई वो गया नीचे की तरफ, इधर बहुत सारे पंख गिरे होते होंगे। बहुत सारे होते हैं और झुंड में रहते हैं। तो इधर इसके साथ कोई भी नहीं है, सब तो गए अलग अलग जगह। अभी शाम का टाइम हो गया, ज्यादा हो गया। ये खाते क्या है? मैं तो 5, 5:30 और 6 बजे तक, अभी तो 6:30-7 होने वाले। मतलब 7-8 जने साथ में बैठते हैं, झुंड रहते हैं इनके। मतलब 4-4 झुंड रहते हैं, मतलब कम से कम 12-15 मोर ऐसा। और ये खाते क्या है? खाते मक्की डालते हैं। डाल दो भैया, मेरा यहाँ सामने शेड है पत्रे का। हाँ वहाँ पे डालते हो, सब बैठ के खाते होंगे रेगुलर। ये बहुत मस्त है यार। 2 kg अपनी मक्की और 2 kg गेहूं इनके लिए डलते हैं रेगुलर। वाह राम भैया बहुत मस्त काम कर रहे हो। तो अभी अपन कर चलेंगे कल सुबह मॉर्निंग में, किधर चलेंगे? तितोरी मतोरी। अरे यार ये बहुत वो है मेरे लिए, तितोरी मतोरी नाम ही ऐसा भाई, रतलाम साइड है ना नाम के, तितोरी मतोरी है। नई शुरुआत होने वाली है एंड अभी तक मैंने वीडियो के अंदर राम भैया अभी हम मिल ही आज रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने व्लॉग इनके साथ नहीं बनाया था। तो इनके 200 के की इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात गए थे तब, गुजरात बनाया था वो अपन, वहाँ से तो एंड हो गया था ना, फिर आज बनाया था। किधर? इंदौर गए थे तब। नहीं बनाया था? नहीं बनाया। इंदौर में नहीं बनाया, सेम ही नहीं डाला था मैंने। अरे वो अपन ने वो बनाया था प्रैंक वीडियो उसके साथ। चलो कोई ना, फिर से उसमें मैं बोलना, उसमें अपने 200 के नहीं हुए थे और उस दिन अपन इंदौर से लेके आए थे 200 के का। तो फिर से भैया को 200 के की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। एंड भैया को अभी से मैंने बोल दिया है 1 million पे अपन जाएंगे। किधर जाएंगे वो सीक्रेट अभी नहीं बताएंगे, ओके? वो तो भूल जाओ, लेकिन जाएंगे, बहुत मस्त व्लॉग मिलने वाला है आपको। तो फिर से 200 के की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर पे एंड राम भैया मुझे छोड़ के आ रहे हैं। राम भैया ठंड लग रही है? नहीं लग रही। तो फिर स्वेटर क्यों पहना है? अभी वहाँ पर दूसरा काम है कभी अभी। ओके लेकिन अभी जा रहे थे घर तो बीच में एक रुकावट आई है। देखो भाई साहब ट्रेन निकल रही है इधर से, सब बताना पड़ता है यार पब्लिक को। ठीक है यार, तो ट्रेन निकलती है एंड फिर चलते भाई। नहीं हमें पता नहीं है। तारे ने पसंद मैनू लाले नी तू लपड़ वाली है तेन तेरा जद पूरी खाली है तो।
तो गाइस अभी रामभैया मुझे छोड़ने आ गए, तो रामभैया बाय बाय बोल दो सबको। वैसे मस्त लगा रामभैया के वहाँ पर जाने के बाद, फार्म पे जाने के बाद, तो अभी बाय बाय बोलते हैं रामभैया को एंड चलते भाई साहब उधर से। ओके बाय बाय सभी, बाय।